एन ओवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमिक परफॉर्मेंस जी स्टूडेंट्स हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो उस कॉन्टेक्स में मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से कुछ डेटा लिया है ताकि हम समझ सकें कि ओवरऑल वर्ल्ड की और उसके डिफरेंट रीजन्स की परफार्मेंस लास्ट सिक्सटी ईयर्स में क्या रही है तो पर कैपिटल जीडीपी का डाटा लिया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से और कांस्टेंट प्राइसेस पर 2015 के यूएस डॉलर्स में मैंने दो ईयर चूज़ किए 1960 एंड 2020 ओके okay, तो इस तरह से हम तकरीबन 60 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो 1960 में पर कैपिटल जी डी पी थी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट और ट्वेंटी ट्वेंटी में ये है टेन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सो इन सिक्सटी सिक्सटी वन ईयर्स का अगर आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रोथ रेट आता है वन पॉइंट एट परसेंट और इस अरसे में जो पर कैपिटल जीडीपी है ये आलमोस्ट थ्री टाइम्स इंक्रीज हो गई टू पॉइंट नाइन वन आलमोस्ट थ्री टाइम्स पूरी दुनिया की पर कैपिटल जी डी पी इंक्रीज हो गई और अगर आप इसको डिफरेंट दुनिया के रीजन्स के हवाले से देखें फॉर एग्ज़ाम्पल पहला केस मैंने लिया अफ्रीका में ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट जो है उसमें नाइनटीन सिक्सटी में पर कैपिटल जी डी पी थी एक हज़ार एक सौ उनासी और 2020 में ये होगी 1442 सो ग्रोथ रेट इस रीजन में वाज जस्ट 0.34 परसेंट अगर आप इसे पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट से कंपेयर करें जो ऊपर हमने देखा 1.8 परसेंट था सो इट इज़ जस्ट 0.34 परसेंट और इसमें कितनी चेंज आई है इट इज़ 1.22 सॉरी 1.22 जस्ट यानी अगर वन है तो इसका मतलब उतना ही है 1.22 पॉइंट टू टू इसमें बहुत मार्जिनल सी उसमें इजाफा हुआ है नेक्स्ट रीजन हमने लिया है अफ्रीका का ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट और इसका ग्रोथ रेट ईस्टर्न और सदर्न पार्ट से थोड़ा सा बेहतर है इट इज़ पॉइंट एट टू परसेंट और इसकी पर कैपिटल जीडीपी तकरीबन तो डेढ़ गुना से ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया वन पॉइंट सिक्स थ्री थर्ड कैटेगरी ली हैवीली इंडेटेड पुअर कंट्रीज और इनका ग्रोथ रेट भी बहुत कम रहा है पॉइंट फोर सेवन परसेंट जो बात हमने लास्ट मॉड्यूल में भी डिस्कस की थी कि ग्रोथ रेट में बहुत माइनर्स भी जब चेंज आती है तो उसका इम्पेक्ट लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होता है तो वन पॉइंट एट पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट था पॉइंट थ्री फोर जो अफ्रीका का ईस्टर्न और सदर्न पार्ट का था और पॉइंट फोर सेवन जिस कैटेगरी की हम बात करें इसमें ईस्ट इस एशिया इसकी परफॉर्मेंस इन इस टाइम पीरियड में सबसे बेहतर रही है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में नाइनटीन सिक्सटी में पर कैपिटल जी डी पी थी एक हज़ार एक सौ तेरह डॉलर यू एस डॉलर और ये ट्वेंटी ट्वेंटी में होगी एलेवन थाउजेंड टन 130. एंड so, सो इसमें ग्रोथ रेट कितना रहा इस अरसे में 3.91 पॉइंट नाइन वन परसेंट फोर परसेंट ऑलमोस्ट सो इस फोर परसेंट या थ्री पॉइंट नाइन वन परसेंट ग्रोथ रेट की वजह से इस रीजन में इनकम में टेन टाइम्स इजाफा हो गया ओके यू कैन सी जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि ग्रोथ रेट में बहुत स्मॉल सी इंक्रीज आई है एज़ कम्पेयर टू पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो 1.8 था और ये 3.9 है लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में इन 60 इयर्स में क्या हुआ कि पूरी दुनिया की अगर पर कैपिटल जीडीपी डी थ्री पर टाइम्स इंक्रीज़ हुई थी तो इस रीजन में पर कैपिटल जीडीपी डी टेन टाइम्स इंक्रीज़ हो गई और इसको हमने फिर एक और इस कैटेगरी ली है जिसमें ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में से हमने हाई इनकम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर दिया सो हाई इनकम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड करने के बाद जो आपके पास ग्रोथ रेट आ रहा है इट इज़ मोर देन 3.91, 5.5 नाइन वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर परसेंट और जो इंक्रीज आई है पर कैपिटल जीडीपी में इट इज़ ट्वेंटी फाइव टाइम्स इंक्रीज हाई इनकम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड करने से क्या हो जाता है क्या हो गया यानी क्यों ये टेन टन टाइम्स से ट्वेंटी फाइव टाइम्स क्यों होगी ठीक है इसे हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में बेस इफ़ेक्ट कहते हैं कि जब आप हाई इनकम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे तो जो लो इनकम कंट्रीज़ होंगी उनमें थोड़ा सा भी जो इजाफा होगा वो परसेंटेज टर्म में वो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यानी अगर सौ रुपए में दस रुपए का इजाफ़ा होता है तो ये टेन परसेंट है ठीक है लेकिन अगर हज़ार रुपए में दस रुपए का इजाफा होता है तो ये जस्ट वन परसेंट बनता है तो ये इस हमने हाई इनकम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर दिया तो रिमेनिंग कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट भी बेहतर हो गया और बढ़ गया और उनकी इनकम भी 25 टाइम्स टाइम्स हो होगी नेक्स्ट हमारा रीजन है साउथ एशिया 327 पर कैपिटल जीडीपी था 1960 में और सत्रह ये 2020 में और ग्रोथ रेट इस अरसे में रहा 2.82 परसेंट और इसमें इजाफा हुआ 5.31 परसेंट इसके बाद हमने मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कुछ कैटेगरीज बनाई फॉर एग्जांपल जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट हम ये देखें तो ये 2.98 परसेंट है और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 3.51 पॉइंट लोअर मिडल इनकम कंट्रीज में 2.09 और लोअर मिडल इनकम को कंबाइन करके देखा तो ये 2.86 परसेंट है और हाई इनकम कंट्रीज़ में अगर आप मिडिल इनकम कंट्रीज़ को हाई इनकम कंट्रीज से कंपेयर करें तो ये 2.14 परसेंट है और नॉर्थ अमेरिका उस रीजन में ये 1.83 परसेंट है तो इससे एक बात जो आपको नज़र आएगी वो ये कि जैसे जैसे हम रिच कंट्रीज़ की तरफ उनके ग्रोथ रेट को स्टडी करेंगे तो वो ग्रोथ रेट कम होता चला जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी दे आर दे हैव अटेन्ड क्वाइट हाई लेवल ऑफ़ लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है तो उसमें फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रेलिटिवली कम होती चली जाती है जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं जैसे मैंने बताया कि अगर सौ रुपए में दस रुपए का इजाफा होता है तो वो टेन परसेंट हो जाएगा लेकिन अगर लाख रुपए में दस का इजाफ़ा होता है तो जाहिर है बहुत परसेंटेज हमें बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इसी तरह से हाई इनकम कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट अब हमें एज़ कंपेयर टू जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हमें कम नज़र आ रहा है लेकिन इनफेक्ट जो अगर एफ्सोलू टर्म में अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो इम्प्रोमेंट आई है एफसोल्यूट टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द मिडल इनकम कंट्रीज़ तो इस टेबल की मदद से जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से ये मैंने डाटा लिया था हम दुनिया और इसके डिफरेंट रीजनस की लास्ट सिक्सटी ईयर्स की परफॉर्मेंस को हमने एक उसका एक ओवर ओवरव्यू किया थैंक यू वेर